नमस्कार दोस्तों, श्याम एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एक शानदार इन्वर्टर बनाकर दिखाने वाले हैं, जो दोस्तों आपका बहुत ही कम कंपोनेंट में बनकर तैयार हो जाता है। दोस्तों, इस इन्वर्टर से आप 3 से 4 बल्ब LED आप जला सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैंने 12012 का 2 एम्पेयर का ट्रांसफार्मर लिया है। दोस्तों, आप इससे 1 एम्पेयर से 3 एम्पेयर तक लगा सकते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा लगाएंगे तो आपका ये ट्रांजिस्टर ख़राब हो सकता है। उसके बाद दोस्तों, हमें एक ट्रांजिस्टर चाहिए जिसका नंबर है 1351। दोस्तों, ये आपको इलेक्ट्रॉनिक की शॉप पर मिल जाएगा। दोस्तों, इसका नंबर है 1351, तो आप इसको ले लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों, हमें चाहिए 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस। दोस्तों, ये बहुत ही कम कंपोनेंट बनकर तैयार हो जाता है, ये हमारा इतना ही कंपोनेंट लगेगा। उसके बाद हमें चाहिए इस इन्वर्टर को फिट करने के लिए एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा लिया हूँ। दोस्तों, इस कार्डबोर्ड के टुकड़े में मैंने पहले से होल करके रखा था ताकि मैं इसको बैठा सकूं जल्दी से। तो इसमें दोस्तों, हमें सबसे पहले इसमें ट्रांजिस्टर और ये जो ट्रांसफार्मर है इसे बैठाना है। तो मैं सबसे पहले इस ट्रांजिस्टर को बैठा देता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने ट्रांजिस्टर को बैठा दिया है। उसके बाद हम ट्रांसफार्मर को बैठाएँगे। दोस्तों, जिस तरीके से मैंने ट्रांजिस्टर को बैठाया उसी प्रकार से आपको ट्रांसफार्मर को बैठा देना है। तो मैं जल्दी जल्दी से मैं इस ट्रांसफार्मर को बैठा देता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही स्पीड में मैंने इस ट्रांसफार्मर को इस तरह से फिट कर दिया है। उसके बाद दोस्तों, इधर वाला जो है वो आउटपुट के लिए है, 220 वोल्ट AC देगा। यहाँ पर हमें होल्डर जोड़ना है। उसके बाद हमें यहाँ से 12012 है, तो दोस्तों ये जो ब्लैक वाला वायर है ये 0 है, तो इसको हमें बैटरी का प्लस बनाना है। और जो 00 है इसी का मैंने वायरिंग करना है। तो मैं यहाँ पर इस दोनों का वायरिंग करके बता देता हूँ आपको। तो दोस्तों, ये जो वायर है दो वो आपको ट्रांजिस्टर में वायरिंग करना है। दोस्तों, जो सबसे पहला वाला ट्रांजिस्टर का पिन है उसमें हमें 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस को लगाना है। दोस्तों, यहाँ पर मैंने 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस को लगा दिया, तो आप देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर इस प्रकार से लगाने के बाद पहले ही लैग वाले में आपको लगा देना है। तो इसको छोड़ कर दोस्तों, आपको ये दो वायर जो हैं वो आप दोस्तों कोई भी लगा सकते हैं, चाहे इस वाले वायर को लीजिए चाहे इस वाले वायर को। तो ये 12 12 हैं, तो आप किसी भी वायर को एक ले लीजिए। उसके बाद आपको ये जो रेजिस्टेंस है उसमें हमें जोड़ देना है एक वायर को। तो हम इस प्रकार से इस वाले वायर को जोड़ दिए हैं रेजिस्टेंस में। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा एक वायर भी जुड़ चुका है। उसके बाद हमारा पारी आता है इस वाले वायर का। तो हमें इस वाले वायर को दोस्तों, हमें ट्रांजिस्टर के बीच वाले लैग में जोड़ना है। तो आप देख सकते हैं, पहला वाला लैग हो चुका है और जो दूसरा वाला लैग है उसमें हमें जोड़ना है ट्रांजिस्टर का बीच वाले लैग में हमें दूसरे वायर को जोड़ना है। तो दोस्तों, हम यहाँ पर जोड़ देते हैं फटाफट। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा जुड़ चुका है। उसके बाद दोस्तों, हमारा ये वायरिंग कंप्लीट हो चुका है। बहुत ही सिंपल वायर है, कम्प्लीट है वायरिंग। तो आप देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल वायरिंग हो चुका है। तो दोस्तों, यहाँ पर आते हैं इसका आउटपुट के वायर पर। तो दोस्तों, हमें इस आउटपुट के वायर में हमें एक होल्डर जोड़ना है जिससे मैं इसे LED बल्ब को आपको चेक करके दिखा सकूं। तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है, आप अपने घर पर अच्छी तरीके से बना सकते हैं। दोस्तों, इसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं लगता है, क्योंकि आपके सामने है ये इन्वर्टर। तो आप देख सकते हैं कि इतना ही कम कंपोनेंट में ये बनकर तैयार हो गया है और बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क भी करता है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक होल्डर को यहाँ पर फिट कर दिया है। उसके बाद हम यहाँ पर चेक करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर इस होल्डर को थोड़ा गोल गोल मॉडल करके आगे कर लेते हैं ताकि आपको दिख सके वायर इधर वाला। तो दोस्तों, यहाँ पर बचा है हमारा इनपुट के लिए। दोस्तों, जो ये ब्लैक वाला वायर है इसमें हमें देना है बैटरी का प्लस। तो दोस्तों, यहाँ पर हम चेक करने वाले हैं एक LED बल्ब को। तो यहाँ पर मैं LED बल्ब को लगा देता हूँ। दोस्तों, 7 वाट का LED बल्ब है, आप देख सकते हैं आपके सामने है। उसके बाद हमें एक होल्डर में लगा देना है। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा तरीके से वर्क करता है, मैं आपको बता दूं। और ये वीडियो फेक नहीं है दोस्तों, आपके सामने है। तो यहाँ पर मैं एक अडेप्टर का यूज कर रहा हूँ 12 वोल्ट का, तो मैं इसको लगाऊंगा। तो इसको चेक करने के लिए, तो दोस्तों यहाँ पर इसका वायर जो है वो 2 वायर है। तो इसका जो रेड वाला वायर है ये प्लस है, तो हमें ट्रांसफार्मर के बीच वाले 0 में इसे कनेक्ट कर देना है। दोस्तों, यहाँ पर मैं कनेक्ट कर दे रहा हूँ। तो आप इसी प्रकार से इसके अलावा आप दोस्तों इसमें स्विच भी लगा सकते हैं। दोस्तों, ये जो माइनस है ये हमारा ट्रांजिस्टर के तीसरे वाले लैग में बचा है, जो तीसरा वाला लैग उसमें हमारा एक माइनस लगेगा। तो बहुत ही सिंपल वायरिंग है, तो आप देख सकते हैं आपके सामने है, बहुत ही सिंपल वायरिंग है दोस्तों।
तो आप इस तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको इस वायर को दोस्तों ट्रांजिस्टर के तीसरे वाले लैग में यहाँ पर चुवाऊँगा। तो दोस्तों यहाँ पर एक मैंने यहाँ पर ऑन नहीं किया था, तो यहाँ पर ऑन कर दिया और आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। दोस्तों ये बिल्कुल रियल वीडियो है, आप देख सकते हैं आपके सामने है, ये बहुत ही LED अच्छी तरीके से ब्राइट जर रहा है। दोस्तों यहाँ पर ये आपको शॉर्ट देख लेना है कि आपका वायर यहाँ पर शॉर्ट ना हो। तो आपके सामने है दोस्तों ये इन्वर्टर बहुत अच्छी तरीके से वर्क करता है। दोस्तों ये इन्वर्टर आपका तीन ही कंपोनेंट में ये बनकर तैयार हो जाता है। दोस्तों जो आपको ये कंपोनेंट लगे हैं आपको इलेक्ट्रॉनिक के शॉप पर मिल जाएगा, तो आप इसको परचेज करके आप भी अपने घर पर बना सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर इसका जो ट्रांजिस्टर है, आप दो ट्रांजिस्टर का बनाएंगे तो इससे अच्छा और बनेगा, इससे दोस्तों जो पावरफुल है इसका वो बढ़ जाएगा वाट, तो आप इससे ज़्यादा भी LED बल्ब जला सकते हैं। और दोस्तों इससे आप 3 से 4 LED बल्ब तो आप जला सकते हैं। और इसका जो UPS का बैटरी रहता है उससे अगर आप चलाएंगे तो इसका बैकअप भी ज़्यादा रहेगा, तो आप ध्यान रखिएगा आप इससे अच्छी बैटरी लगाकर चला सकते हैं। और 7H से बैटरी से ज़्यादा UPS से उससे अधिक मत लगाना क्योंकि आपका जो IC है वो ख़राब हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर आपको इस IC जो है उसमें आपको अच्छी तरीके से हीट सिंक लगाना है तो आपका IC ख़राब नहीं होगा, तो इस प्रकार से आपका इन्वर्टर बन जाएगा। दोस्तों ये जो हीट सिंक है आपको अच्छी ज़रूर लगाना है क्योंकि ये हीट हो रहा है, एक LED बल्ब लगाएं तो इतना हीट हो रहा है, अगर 2 LED 3 LED बल्ब आप इससे चलाएंगे तो हीट होगा, इसलिए आपको इसमें IC अच्छी तरीके से कस देना है हीट सिंक में और हीट सिंक थोड़ा बड़ा रहे। दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप जुड़े रहिए श्याम एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल से।